और वीडियो भी देखी। यो जो थी एक तरफ माँ, यो किस कैसा मतलब है, इसका मतलब नहीं समझ आ रहा कि इतना लोग तो प्यार तो कर रहे हैं लेकिन इतना प्यार मैंने कहीं नहीं देखा। जो एक तरफ ज्योति एक तरफ माँ, भाई इसका तो मतलब मन्ने भी समझ में नहीं आया था। अच्छा ब्याह होया है जब नुमाले उस टाइम पर मैं 10 रुपया करता भाई। अच्छा यार दोस्त थे वो, एक जना नाम लिखवावे था। अच्छा अच्छा तो वो नोला चल नाम लिखवाऊंगी, बाकी लिखवा होगा मगा चल मगा लिखता होगा 100-200 में मन्ने के बेरा था। तड़के तड़क उठा, बारिश का मौसम था, मगा चल भाई तो वो दारू ले रहा था, उन्हें 2 पैक बना दिए। मगर जो सच्चाई है बताऊं, झूठ ना बोलता, पहला की बात है रही। अभी नुमाले 2019 में ब्याह करा था, उसके आने के बाद 2020 में जब मेरा छोरी होगी थी जब की बात है। अच्छा। तो उस टाइम पे भाई वो नोला नाम लिखवा लिया, मैंने लिखवा लिया भाई। नाम की तरह जूम कर दे, ज्योति लिख रहा देख, इतना प्यार कर रहा है। तो भाई मैंने लिखवा लिया, उसके बाद मैं बोला रहा मैं 1000 रुपये हो गए, बोला 4000 रुपये मेरी तो सारी उतर गई। ज्योति भाई परसों आई थी। अच्छा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो बच्चों की ममता है वो ज्योति के लिए घर लाई है ना। बालका की ममता तो लावे है की। हाँ कहीं ना कहीं आपका भी किस्मत है, बच्चों की किस्मत है, दादी की किस्मत है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की किस्मत तो है ही यहाँ पे भाई। किस्मत तो बालका की है, बालका के कर्म लड़े हैं जो भी लड़ा है। अच्छा। बाकी जो दुआ है सारी पब्लिक की दुआ लागी है, आपने मेहनत कर रखी है, आपने सपोर्ट करी जब भी तो मैंने हौसला मिला। अच्छा, जिसके कारण मैं खड़ा होया। अच्छा शादी के लिए कितना टाइम हुआ था? शादी भाई मेरे 4 साल हो गए। 4 साल हाँ। यहाँ जो ज्योति का गई थी यहाँ पे 2012-2022 में। अच्छा। जब गई थी अभी मतलब कितने दिनों के बाद आई है? 1 साल हो गया पूरा, अनुमान ले 1 हफ्ता रह गया था बस। अच्छा 358 दिन। अच्छा। में मतलब कि 1 साल आपकी जिंदगी कैसी कट गई? जो 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 मतलब कि जो एक तरफ ज्योति एक तरफ माँ, तो मतलब ऐसा बंदा 1 साल रुक सकता है ज्योति के बिना? भाई 2 साल रुकना पड़ जा, 10 साल भी रुकना पड़ जा, रुक जाता है पर फल मिल गया मैंने। नहीं लोगों के तो ये रहते हैं कि परवीन पहले दारू पीता था इसलिए ज्योति चली गई थी। दारू तो मैं 4 साल पीता करता, इससे साल गणी पी दी थी। लेकिन जब आपकी शादी हुई ज्योति ने मना नहीं करा कि दारू ना पी? मैं जब तक ना मना करी नहीं रहता। अच्छा। फिर ज्योति क्यों चली गई है? क्यों की तो लड़ाई हो रहा है, क्यों का तो जवाब मन नहीं दे रहा भाई। छोटी मोटी पे तो ऐसे तो देखो होया करे घर में, होया करे तो ऐसे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता जी। भाई मतलब तो मन ने भी नहीं मेरा तार ना मन पूछने की कोशिश करी। दारू पी ली थी भाई ये बागी मतलब ज्योति ने। हां अरे ज्योति ने नहीं मन ने। अच्छा तो मगर ये बागी तो उसका तो मतलब ही नहीं रहा भाई कोई। अब पीछे की बात ठाऊंगा, ये जो आगे की बात है मगर ठीक है, बोल ले मगर कोई दिक्कत ना मन आगी ना अपने बाल का दौर आगी। अच्छा गलत ना थी अपने घर आती अपने घर आई पता है क्या बस जो लोग है ना वो गलत कमेंट करने लगे हैं। जैसे अपना गांव है, गांव में भी कुछ लोगों की सोच गलत होती है, कुछ लोगों की अच्छी सोच होती है, तो उनमें आपका क्या कहना है? कुछ लोग तो नुगे लग रहे थे कि ज्योति पता नहीं कहाँ चली गई, 1 साल हो गई दूसरा ब्याह करवा लिया था मैंने। अच्छा अरे भाई उनकी देख हर आदमी की सोच का पता नहीं होता। अच्छा। जो जिसी सोच कर है ना, ये बाप की सोच की है मेरी सोच की है, वो कैच करने के ऊपर है। मैं किसी बात ना कैच करूँगा, गलत ना कैच करूँगा या सही ना कैच करूँगा। तो मैंने उनकी एक कान तो सुना करता, दूसरे कान तो बाहर जाया करती हुई गलत बात। अच्छा। सही सुना करता, सही मेरे दिमाग में बैठ जाया करती हुई मैंने बिठाई रखी। अच्छा जो मतलब कि अब कैसा लग रहा है, जो आपका जो प्यार है वो कहीं ना कहीं वापस लौट के आया है? बढ़िया, 2 रोटी तड़के खाऊं, 2 रोटी शाम ना खाऊं, 2 रोटी रात ना खाऊं, मतलब प्यारा तो चमका है भाई। अच्छा, मतलब कि कहीं ना कहीं घर में रौनक आई है। भाई रौनक आई है पूरी आई दिवाली सी तो ही भी मने मतलब कि जैसे तो यार पर खुशी नहीं होया करे उस समय इन खुशी हो रही है। वाह दिवाली मेरी तेरी भाई है, परसों आई है वाह दिवाली। सही बात है दिवाली, मतलब प्यार वापस आ गया तो सारा कुछ वापस आ गया। कहा नहीं करे कि प्यार बंदा प्यार में पागल होया करे, बाकी तो पागल नहीं होया। इस तरफ ज्योति बैठी है, दादी से बात करेंगे। दादी उठो थोड़े से, दादी आओ थोड़ा सा बैठो।
इस तरह भी वो बाबू बाबू दिखा जो बहू है अब तेरा जो खाने का जो खाना बनाया करती अब तुझे जो पकवान है वो नए नए तरीके के खाने के लिए मिलेंगे अरे ये भी मतलब तीन दिन हो गए थोड़ा खाटा थोड़ा पानी टेप देख भाई खुशी देख है ना एक बात है भाई खुशी है दादी का कहना है कि जब से मेरी बहू आई है जब से मेरी आधी बीमारी खत्म हो चुकी है भाई हर एक का जो होया करे या बेटा होया करे या बहू होया करे जो घर में आ जाया करे ना उसके सारे दुख दूर हो जाया करे तो दादी अब कैसा लग रहा है तीन दिन हो गए हैं मतलब ज्योति के आए हुए तो मतलब बढ़िया फील हो रहा है भाई पहले अंधेरा होया करता अच्छा हाँ। सानोला हो रहा भाई कुत्ती खुशी हो रही है भाई कुत्ती अच्छा मतलब कुत्ती झूमती फिर उन्हें सोच ली अच्छा मन मन में कुत्ती खूब खुशी है भाई मेरा मतलब ये दुख थे वो जो दुख थे वो दूर हो गए दूर हो गए भूल भले अच्छा। भी और ताऊ का है ताऊ का भाई मंडी में कमाओगा तो खाएंगे पिए भाई सही बात है देख अब तो जो तेरा प्यार है वो भी वापस आ गया है मेरा कहना यही है दारू ना पी आस दारू तो छोड़ रखी भाई आज से क्यों पहला तो छोड़ दी मन तो दारू अच्छा चल ठीक है भाई अपना घर बस गया ठीक है नहीं नहीं प्यार वापस आया है ऐसे छोटे मोटे घर में तो मेरा यही कहना है एक बार इसे दिखा भाई मम्मी की तरफ देख रहे हो अच्छा जो मेरे दो बच्चे हैं ना आपके अच्छा एक का इसका क्या नाम है यो बाबू हरशिव का अच्छा हरशिव कहीं ना कहीं वो नाम भी काफी अच्छा भाई ने टेका हुआ है लगभग ये दो महीने का था उस समय जो ज्योति गई थी हाँ। अच्छा Hello? पता नहीं ज्योति दिखी नहीं कोई नहीं आप जानिए बेबे चलो मैं देखता हूँ एक मिनट आ जाए भाई ज्योति आ रही है खुश हो रही थी मतलब कि कहीं ना कहीं उसे भी देखो भाई खुशी है ज्योति से पूछेंगे कि इस घर में आकर के कैसा लगा भाई अच्छा तो सारों पहले तो कहाँ थी तो इतने दिन हो गए आपके लिए कहाँ थी सबसे पहले अपने घर आई थी भाई और किस थी अच्छा जैसे छोटे मोटे तो पहले सोते रहा घर में तो ऐसे इतने लंबे समय तक जाने की क्या जरूरत थी दुनिया का वह है कि घर में है तो भाई शांति से मिल जावा है ना फिर मैं तबरे गई थी अच्छा अब जो कब आई थी आप यहाँ पर परसों अच्छा कैसा लग रहा है यहाँ पर बढ़िया बढ़िया तो थी, अच्छा, कहीं ना कहीं आपके लगता है जो ज्योति देखो एक बात तो है प्यार करे जी आपसे अच्छा। ये बात है भाई पक्की बात कह रहा हूँ कि देखो प्यार करे एक तरफ या तो माँ को माना है या ज्योति को माना है देखो यू भी इस तरफ ज्योति लिख रहा है उस तरफ आपकी पता है अपनी माँ की तरफ तो कितने बड़े बहुत है यार 700 तो सीधा मत चला गया देखो ये तो मैं कहूंगा 700 का भी 900 चला गया यार वापस आ गए एक तरफ ज्योति एक तरफ माँ भाई प्यार तो कर रहा है बंदा गणा मेरा और देखिए मेरे की बेबे का नाम हो नहीं मेरा नाम है क्या पता ज्योति तो मैंने आप पे ही लगाया मेरा ही और भाई इनका चैनल इन्होंने अपना चैनल खोल लिया भाई एक बार चैनल का नाम बता दो आपके मुंह से जनता सुनना चाहिए उसका चैनल है मेरा चैनल अरे आपका है आप ब्लॉग डालोगे प्रवीण कुमार परवाना के नाम से चैनल है तो भाई जितने भी भाई हैं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लियो मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ में अगर परवीन और ज्योति की कोई भी नई अपडेट आओगी हमारे चैनल पे सबसे पहले आओगी आओगी या नहीं हाँ तो भाई वीडियो को शेयर कर दिया वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं नई वीडियो के साथ जय हिंद।